देखिए नवनिया को फ्रेश होने के बाद नवनिया क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं ना। निया तो कुछ अलग ही बना रही है। क्या बना रहे हो? हाउस हाउस। अच्छा निया, पूजा करके अच्छा लगा? आइस हाउस। ओके वेरी नाइस, टेंट हाउस है। महेश उधर ऑफिस का काम कर रहे हैं। The next morning. शांति कुंज, यहाँ पे हम बचपन में आया करते थे अपने पापा मम्मी के साथ, और आज मैं नवनिया को लेकर आई हूँ। घूमने आए निया, आर यू एंजॉइंग? वो वहाँ पे एक्यूप्रेशर पथ है, तो लोग जूते चप्पल उतार कर उधर से जाते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी लेने के लिए। Thank you.
मुंडन हो रहा है बहुत सारे बच्चों का। यहाँ रखना उस पर रख दो उस पर। हाँ बस 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 वेरी गुड। अप डाउन कर लो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है यहाँ पे वो देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है। ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ना ये सब अखंड ज्योति जो पापा एक किताब लेते थे मंथली आता था वो पापा यहाँ के मेंबर है ना गायत्री समाज के तो सब लिखी रहती थी अखंड ज्योति किताब में मतलब अभी भी आती है सब लिखी रहती है उसमें। मतलब इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं ये कि ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए ये बोल रहे हैं आलस्य हटाइए डिपेंडेंट नहीं रहिए भगवान पे आपका भाग्य जो है आप खुद लिखते हैं ईश्वर नहीं लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और ऐसी चीज़ें आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मैं कब सोचते रहता हूँ मैंने कभी देखा नहीं है पढ़ा नहीं है बट मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने सबके फोटोग्राफ्स लिए हैं क्योंकि यही सब चीज़ें मन में आती है। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे विचार और यहाँ जो लिखे हुए हैं ना ये सब लगभग मैच करते हैं ये आश्चर्य की बात है। देखो देखो दो बच्चे तरह स्पर्श कर रहे हैं वाह वाह बच्चे। शांति कुंज से हम लोग आ गए हैं बहुत बड़ा है शांति कुंज तो इतना तो घूम पाना पॉसिबल ही नहीं था तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश जहाँ आप गए थे ना हम लोग शांति कुंज में वहाँ स्कूल है कॉलेज है सब है। अच्छा है स्कूल यहाँ भी मेरा बैग नहीं है यहाँ मैं बैग खरीद दूंगी यहाँ
जाके पूरा फर्स्ट ही आएगा। हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं। काफी हरा भरा रास्ता है, घाटियों वाला रास्ता है। ले गया और कुछ है? दे नहीं, नहीं कहा। देखिए देखिए इसको गाड़ी पे चढ़ गए। अभी हम उतर गए हैं डैम के पास। सकते हैं बहुत ही हरा भरा सुंदर सा नजारा है। खोल देंगे लेकिन याद याद नहीं है। यू हैव टू ईट लाइक दिस ओके लाइक लुक डैडी इज ईटिंग लुक। उसमें कोकोनट बिस्किट है जो मंकी को निकाल के दे सकते हो। पहाड़ दिख रहा है और साथ में गंगा नदी चल रही है, देख सकते हैं आप बहुत ही जबरदस्त नीला आसमान, हरा भरा पहाड़, गली नहीं पतली सी रोड कह सकते हैं और बगल में गंगा।
गंगा नदी, बहुत ही अद्भुत दृश्य। ये देखिए रास्ता कितनी पतली है, एडवेंचरस रोड है। पीछे पानी था पूरा रोड पे। हाँ, पूरे रोड पे पानी था। और फॉरेस्ट है यहाँ से। You will see lion, tiger. नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रोड पे you have to be careful now. चाय कपड़ी है, पीना है? चाय पियेंगे? अभी हम ऋषिकेश जाने वाले रास्ते पे ही हैं और ये वादियाँ, ये नज़ारे इतने सुंदर हैं कि मैं इनको कैप्चर करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया है मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और जो भी रास्ते की खूबसूरती मैंने देखी है अपनी आँखों से, मैं वो सब आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। इसीलिए जो भी कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो सब शेयर करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए बाकी की जर्नी मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।